विधायक जी से पूछना चाहते हैं, 2014 का जो मैनिफेस्टो है उसमें से चार गो चीज हमको बता दीजिए जो आपकी सरकार ने क्या किया है। मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे, सभी का विकास हुआ। कहा था घर घर बिजली पहुंचाएंगे, कहा था गरीबों को आवास देंगे, कहा था गरीबों को शौचालय देंगे, और कहा था एम्स बनाएंगे, दरभंगा में भी एम्स स्वीकृत हुआ। कहा हवाई अड्डा बनाएंगे, दरभंगा में भी हवाई अड्डा स्वीकृत हुआ। गरीबों के लिए काम किया, और पिछड़ा आयोग का गठन हुआ। बिहार का पिछड़ा का बेटा भगवान लाल साहनी पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बना। सभी पिछड़ों की चिंता नरेंद्र मोदी जी। अगला सवाल, अगला सवाल, लोगों को अरे विधायक जी आरक्षण देने का काम विधायक जी नरेंद्र मोदी जी ने किया। विधायक जी सवाल, हम कांग्रेस और महागठबंधन के नेता से पूछना चाहते हैं, उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है और उनका प्रधानमंत्री बनेगा कौन? ममता बनर्जी कि लालू प्रसाद कि तेजस्वी यादव कि राहुल गांधी, बनेगा कौन? उसका जवाब हम लोगों को दे, तब उनको जनता चुनेगा, क्योंकि सारे के सारे चोर है। देखिए अंजना जी पहले सांसद का चुनाव होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। नहीं, ये गलत नहीं। हम लोग पहले सांसद चुनते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहाँ सब लोग सांसद चुनने के बाद यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। वो बोलते हैं बाद में होगा, ये बोलते हैं राहुल गांधी का हो गया, यहाँ तो कोई फूट नहीं है। प्रक्रिया मोदी जी बाद में होना कोई गलती नहीं है, कोई भी आदमी बिना प्रक्रिया के प्रधानमंत्री नहीं बनता है। लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है और मंच से गांधी मैदान के मंच से माझी जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माना। राहुल गांधी बनेंगे राजद वाले अभी निश्चित नहीं मान रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है हम बनेंगे। प्रक्रिया बता दे तो निश्चित नहीं माने, चंद्रबाबू नायडू की नजर गिराए हुए हैं इन लोगों के महागठबंधन में। जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय नहीं है तो देश की जनता किसको वोट देगी? चले कुछ और सवाल लेते हैं, एक सेकंड कुछ मैडम। बिहार में जो लोग महागठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिनका मुखिया चारा खा के अंदर है उनके नेता यहाँ बेचारा बन के घूम रहे हैं, उसको कोई वोट नहीं कर सकता। कौन ईमानदार है उसका? एक आप पूरे हिंदू कौन सबसे हरिश्चंद्र है उसका नाम बताइए। जो लोग भाजपा के साथ है वो ईमानदार है, बाकी लोग बेईमान है। अभी हमारे सामने माननीय विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी बतावे जो 15 साल पहले इनकी क्या आर्थिक। माइक को मुंह के आगे रखिए, आज क्या अरे माइक को मुंह के आगे रखिए। आप जो है गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग माइक को मुंह के आगे रखिए। आवाज से पूछा जाता है कि जब लालू यादव के बारे में बताइए तो ये व्यक्तिगत बात करने लगते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नारी की सभ्यता पर कब तब कीचड़ उछाला गया है? क्यों आजम खान ऐसा बयान क्यों देते हैं? क्या ये नारी की सभ्यता को दर्शाते हैं? कल तक वो बहन थी, आज इस तरह की वो बात बोले हैं? क्या देश शर्मसार नहीं हुआ? महिलाओं को शर्मसार आप तक कब तक करते रहिएगा? क्या ये देश के लिए है? महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है क्या? मेरे माननीय मदन भाई जी, जल्दी सवाल पूछ जी, दोनों आदमी एक बात गौर से सुनिए भाई, एक मिनट। सरावगी जी बोल रहे हैं जे कभी बीजेपी को दामाद को टिकट देते हैं, कभी भाई को टिकट देते हैं, क्या जनता को इसी तरह ठगेंगे? कभी उसको टिकट देंगे, कभी उसको टिकट देंगे। ठीक है, एक सवाल। मेरा सवाल मैम ये है सत्ताधारी से कि जब 200 किलोमीटर पैदल यात्रा चल के हम लोग बिजली हॉल्ट पे आए थे तो हम लोग के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया था, हम लोग 7 करोड़ मैथिल की मांग, मिथिला विकास बोर्ड की मांग कर रहे थे, क्या मोदी जी 25 तारीख को दरभंगा के राज मैदान से मिथिला विकास बोर्ड के गठन का ऐलान करेंगे? सरकार ने मिथिला के इन्हीं सवालों के बीच आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं।